सुनो सदा माँ संतोषी की कथा, 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 सुनो सदा माँ संतोषी की कथा। एक बुढ़िया थी और उसके साथ बेटे थे, छह कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ छहों पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता तो सातवें को देती थी। परंतु वो बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वो अपने बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वो बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वो बोला, ऐसा भी हो सकता है, मैं जब तक आँखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया, घर में सात प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वो जांचने को सर के दर्द का बहाना कर, पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। छेओं भाई भोजन करने आए, उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, सात प्रकार की रसोई परोसी। वो आग्रह करके जिमाती रही, वो देखता रहा। छेओं भाई भोजन कर उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा, छेओ भाई भोजन कर गए, अब तू ही बेटा बाकी है, कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई, वो गौशाला में कंडे थाप रही थी, जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ का। अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी, वो चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा, वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी
बोला रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे, साहूकार ने कहा काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली वो सवेरे 7 बजे से 12 बजे रात्रि तक नौकरी बजाने लगा। सुनो सदा मां संतोषी की कथा, सुनो सदा मां संतोषी की कथा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। ये बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो, सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा, उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती, और फूटे नारियल की नरेली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी कि रस्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां ये खड़ी होकर कहने लगी, बहनों ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। सुनो सदा मां संतोषी की कथा, सुनो सदा मां संतोषी की कथा। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र आवे। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे। कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो जावे, तथा और भी मन में जो कुछ कामना हो सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे, इसमें संदेह नहीं। सुनो सदा मां संतोषी की कथा, सुनो सदा मां संतोषी की कथा। वो पूछने लगी ये व्रत कैसे किया जाए, ये भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, या 1.25 रुपए का भी सहूलियत अनुसार लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवाया
भी ज्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार रहे कथा कहना सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना। परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो, नियम पालन करना। और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। सुनो सदा मां संतोषी की कथा, सुनो सदा मां संतोषी की कथा। तीन मास में माता फल पूरा करती है, यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो भी माता वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे, माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खावे, ये सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले। माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन माता के मंदिर में जा, माता के चरणों में लौटने लगी। सुनो सदा मां संतोषी की कथा, सुनो सदा मां संतोषी की कथा। दीन हो विनती करने लगी माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ जानती नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ हे माता जग जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई, एक शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और 3 को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। ये देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाव है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर कर संतोषी माता के मंदिर में आ, मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ,
तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। सुनो सदा मां संतोषी की कथा, सुनो सदा मां संतोषी की कथा। ये सुन खुशी से बावली हो घर जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। इसे याद दिलाने तो मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वो कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ। कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं? वो बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है? माँ बोली, पुत्र तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधी ले। वो बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? सुनो सदा मां संतोषी की कथा, सुनो सदा मां संतोषी की कथा। सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वो सवेरे बहुत ही जल्दी उठ मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहता है, वो सब उसकी बात अनसुनी कर हंसने लगे, कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस तरह सांच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मान, वो नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में वो क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया, मन में माता का नाम ले प्रसन्न हो घर के जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट घर को रवाना हुआ। सुनो सदा मां संतोषी की कथा, सुनो सदा मां संतोषी की कथा। यहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करती है। वो तो उसका रोज रुकने का स्थान ठहरा, दूर धूल उड़ती देख वो माता से पूछती है,
हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के तीन बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा कर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठा कर जाना और बीच चौक में गट्ठा डाल कर तीन आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर वो बहुत अच्छा माता जी कहकर प्रसन्न मन हो लकड़ियों के तीन गट्ठे ले आई। एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा, इतने में ही वो मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यही निवास करें और भोजन बना खा पी कर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना, विश्राम ले गांव को गया। उसी समय बहु सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, उसे आंगन में डाल जोर से तीन आवाज देती है। सुनो सदा माँ संतोषी की कथा, सुनो सदा माँ संतोषी की कथा। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन आया है? ये सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन, इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वो लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ये कह माँ ने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहां राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया, उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। सुनो सदा माँ संतोषी की कथा, सुनो सदा माँ संतोषी की कथा। उसका पति बोला, बहुत अच्छा कर, खुशी से कर ले। तुरंत ही वो उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन पूरा न हो।
लड़के जिम ने आए, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देख कर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती न थी, सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठ करके इमली ले खाने लगे। ये देख बहू पर माता जी ने कोप किया, राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए हैं। अब सब मालूम हो जाएगा, जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुआ, रोती रोती माता के मंदिर में गई। माता तुमने ये क्या किया, हंसा कर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वो कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। वो बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब भूल न होगी, अब बताओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वो निकली, रास्ते में पति आता मिला, उसने पूछा तुम कहाँ गए थे। वो कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वो भरने गया था। वो प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। सुनो सदा माँ संतोषी की कथा, सुनो सदा माँ संतोषी की कथा। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया, वो बोली मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा करो, वो फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़के सिखा दिए कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। ये कहकर ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया, इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही नवे मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, वो रोज आती है, आज क्यों न मैं ही उसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया, गुड़ और चने से सना मुख,
ऊपर से सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है। लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ये कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। कलमुई इसे देखकर कैसे उतावली हुई, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो, वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ, ये वही संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। हे माता बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो ये कथा पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। ग्रंथ करो जगह।